हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आज का जो वीडियो है, हम बात करेंगे, सर अपनी बिटिया को लेकर आए हैं, इनकी बैक में कुछ समस्या है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, क्या है ये जानते हैं। बेटा क्या समस्या आपको होती है, जरा मुझे ये बताइए। झुक के रहती हैं आप, थोड़ा उस साइड घूम जाइए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, इनकी जो बैक है इसमें एक हम्प जैसा मालूम पड़ रहा है। नेक आइडियल पोस्चर ये होना चाहिए, सीधे बैठना आइडियल ये होता है। अब आप जैसे बैठते हो वैसे बैठो, नॉर्मल ऐसे बैठ रही हैं, कुछ डिफरेंस लग रहा होगा आपको कि हाँ नॉर्मल पोस्चर में और इनके पोस्चर में कुछ डिफरेंस है। क्या बेटा यहाँ से आपको तकलीफ होती है? क्या क्या तकलीफ होती है? यहाँ दर्द होता है, यहां तक आता है क्या दर्द? नहीं, बस यही रहता है इस एरिया में। ये दबाने से दर्द हो रहा है क्या? ये भी हो रहा है। ये तो इनकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि यहां इनको शोल्डर में पेन हो रहा है। आपको अब इनके एक्सरे दिखाते हैं, एक्सरे में क्या तकलीफ है आइए देखिए। ये है इनका एक्सरे, आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है इनका, जो नेक का जो कर्व है, ये स्ट्रेट हो गया है। आइडियली देयर शुड बी अ सी फॉर्म। ये एंटीरियर साइड है, सामने की तरफ है, ये जॉ है, ये पीछे की साइड है। ये कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, हल्का सा कर्व जाता है, इनका स्ट्रेट हो गया है। इसकी वजह से ये मांसपेशियां यहाँ की खींच रही हैं और दबाव डाल रही हैं। क्योंकि ये कर्व सीधा हो गया है तो ये मांसपेशियां खींच रही हैं, ये खिंचन समस्या दे रही है। अच्छा, इनको ये समस्याएं जो हैं, क्या वजह इसकी हो सकती है, आइए वो ट्रीटमेंट करते में बात करेंगे। चलिए चलते हैं पीटी हॉल की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं पीटी हॉल में, मतलब इसका अर्थ है फिजियोथेरेपी हॉल में। अब आदत ऐसी पड़ी है ना। चलिए, अब हमने जो डायग्नोस किया, हमारे पेशेंट की यहाँ समस्या है, ये स्ट्रेटनिंग हो गई है, ये हम्प आ गया है, तो हम इसके एडजस्टमेंट्स करेंगे, फर्दर बाद में इनकी कुछ एक्सरसाइज होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमने जो नहीं दिखाया आपको, हम यहाँ की सिकाई कर चुके हैं ऑलरेडी, हम थर्मोथेरेपी इनको ट्रीटमेंट थोड़ा सा दे चुके हैं, अब हम इसके आगे फॉलो कर रहे हैं। ये अच्छा, ये समस्याएं क्यों हो जाती हैं? ये स्टूडेंट हैं, छोटी क्लास में पढ़ती हैं। आजकल समस्या क्यों हो रही है? बच्चों के बैग बड़े हैवी हो गए हैं। बच्चों के बैग हैवी होने की वजह से, अब बच्चे हैं तो मांसपेशियों में उतनी ताकत तो नहीं है उनके, तो तकलीफ रहती है बच्चों को। उनके कंधों पे लोड पड़ रहा है, कंधों पे लोड पड़ने की वजह से वो आगे अपने कंधों को झुका के चल रहे हैं। हाँ, कोविड में पढ़ाई करने की वजह से भी बच्चों के लोड पड़ा है और बच्चों के कंधे झुके हैं, क्योंकि घंटों बैठ के वो पढ़ाई कर रहे हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। वो तो वजह है ही है, एक वजह ये भी है कि बच्चों का बैग बहुत भारी हो गया है, ऐसे होते जा रहे हैं बच्चे, बैकपैक जो हम है वो लोड दे रहा है, इसकी वजह से समस्या आ रही है, ठीक है। और बच्चे आजकल बाहर खेलने जा रहे हैं, ये एक वजह है। ये हम मैम की बिटेरानी की जो स्पाइन है उसे एडजस्ट कर रहे हैं, आपको ट्रैकिंग साउंड नहीं आएगी, के लिए खेद है, क्योंकि हमने कोई माइक उसके लिए यूज नहीं करा है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों का जो बैग है, अगर हो सके तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा उन्हें टाइम टेबल से लगाकर भेजें। बेटा जरा आप सीधे लेट जाइए, टाइम टेबल से लगाकर भेजेंगे तो क्या होगा, उनका बैग हैवी नहीं रहेगा। अच्छा, एक वजह और भी है, आजकल बच्चों के बैग बड़े स्टाइलिश से आ गए हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक कंधे पे तो बैग को टांग लेते हैं, बट दूसरे का क्या, दूसरा कंधा उनका फ्री रह जाता है, इस वजह से भी इम्बैलेंस होता है और हमें तकलीफ होती है। इस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए भी हम ये कर सकते हैं कि हम बैग को हल्का करें, नंबर एक, और बैग में टाइम टेबल के अनुसार उनकी बुक्स हो, कॉपीज हो, जिससे उन्हें तकलीफ नहीं हो बैग को कैरी करने में। देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु कम टू मी कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की पीठ में दर्द है, वो इसीलिए हो रहा है आजकल, जिनमें से ये मैडम एक हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि हमें करना क्या है बच्चों के बैग के साथ में। बच्चों के बैग का वेट हमें मैनेज करना है टाइम टेबल से बैग लगाकर, और इसी के साथ बच्चों के पोस्चर पे बहुत ध्यान देना है हमें कि बच्चे अपने शोल्डर्स को राउंड ना करें, स्टूपिंग पोस्चर नहीं आए, उन्हें बार बार टोकते रहें कि वो झुक के नहीं चलें। अगर ये समस्या हो रही है तो आप अपने आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं या हमें भी संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस मोबाइल नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कई सपोर्ट्स इसके लिए भी आते हैं कि अगर पोस्चर खराब हो गया है तो वो अपने थेरेपिस्ट की सलाह से यूज करें। पोस्चर करेक्टर कई बेल्ट्स आती हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन यू यूज विद एडवाइस ऑफ योर थेरेपिस्ट, नॉट बाय योर ओन, बेटर कीप इट इन योर माइंड।
अर्थात अपनी इन समस्याओं का इलाज अपने थेरेपिस्ट से ही पूछ के कराएं, स्वयं के डॉक्टर ना बने। बेल्ट भी यूज करनी है, सपोर्टर भी यूज करने हैं तो अपने थेरेपिस्ट से पूछ के करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आगे इनकी कुछ थर्मोथेरेपी होनी है या और चीजें होनी है, वो फर्दर मैं और स्टाफ को भेजता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। आपको रेलिवेंट लगता है, आपके संबंधियों में, जानने वालों में किसी को समस्या है तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करिएगा, क्या पता उनके भी ये वीडियो काम आ जाए। धन्यवाद।